क्या इस मशहूर टीवी एक्टर की शादी में आई दरार? क्या 10 साल बाद टूटने जा रहा है बसा बसाया घर? क्या बीवी को धोखा दे रहा था एक बेटी का पिता ये एक्टर? जी हाँ, इस समय टीवी की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जो हर किसी को हैरान कर रही है। आखिर इस टीवी एक्टर का बसा बसाया घर टूटने की कगार पर जो है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक्टर है तो है कौन, तो ये वही है जिन्हें आपने उड़ान और नागिन 4 जैसे शोज में देखा होगा। हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे के एक्टर विजेंद्र कुमेरिया की, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन खबरों को हवा तब मिली जब विजेंद्र की बीवी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया जिसे देख हर कोई दंग रह गया। आखिर अपने पोस्ट में विजेंद्र की बीवी ने उन पर प्यार में धोखे के आरोप जो लगाए हैं। दरअसल शनिवार 25 मार्च को प्रीति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बेटी की माया के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। इस पिक्चर में माँ बेटे की जोड़ी ट्विन करती नजर आई। विजेंद्र इस तस्वीर में तो नहीं थे, लेकिन प्रीति ने इस पिक्चर के साथ जो कैप्शन लिखा वो शायद सिर्फ और सिर्फ विजेंद्र के लिए ही था। प्रीति ने इस तस्वीर को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, जितने भी झूठ तुमने मुझसे कहे उनमें से आई लव यू मेरा फेवरेट था, आई मिस यू दूसरा सबसे अच्छा था, मेजर मिसिंग हो रहा है। प्रीति ने जैसे ही एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, इसे सोशल मीडिया पर वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगी। लोग उनके कैप्शन को देख यही कयास लगा रहे हैं कि विजेंद्र ने अपनी बीवी को धोखा दिया है और एक बेटी के माता पिता होने के बावजूद इस जोड़ी की 10 साल पुरानी शादी में दरार आ गई है। वहीं सिर्फ प्रीति का ये क्रिप्टिक पोस्ट ही नहीं, बल्कि विजेंद्र कुमेरिया और प्रीति भाटिया दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो तक कर दिया है, जिसके बाद इनकी शादी के टूटने की खबरों को और भी ज्यादा हवा मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस मामले में विजेंद्र से उनका रिएक्शन पूछने के लिए कॉन्टेक्ट किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। दूसरी तरफ उनकी वाइफ प्रीति ने कुछ भी साफ तौर पर कहने से मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग अटकलें क्यों लगा रहे हैं। आपको बता दें कि विजेंद्र और प्रीति की शादी को 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। साल 2016 में ये कपल एक बेटी का पेरेंट बना था। विजेंद्र और प्रीति की बेटी का नाम किमाया है। किमाया अभी 6 साल की ही है। अब अगर वाकई विजेंद्र और प्रीति की मैरिड लाइफ में खटपट है तो इसका उनकी बेटी पर भी असर जरूर पड़ेगा। गौरतलब है कि विजेंद्र टीवी का एक जाना माना चेहरा है। उन्होंने छोटी बहू, शास्त्री सिस्टर्स, उड़ान, नागिन 4, आपकी नजरों ने समझा, तेरी मेरी डोरियां और मौसी छल किया जाए जैसे शोज में काम किया है। वहीं विजेंद्र की बीवी भले ही उनकी तरह कैमरे पर नजर नहीं आती है, लेकिन वो अपने पति के प्रोडक्शन हाउस की देखभाल करती है। दोनों ने कई साल पहले एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। बहरहाल इस समय विजेंद्र और प्रीति अपनी निजी जिंदगी की वजह से खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। अब ये बात वक्त के साथ ही पता चलेगी कि क्या वाकई इनकी शादी में खटास आई है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।